हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उदयपुर के नाईगांव में दो परिवारों के बीच जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक परिवार के व्यक्ति ने दूसरे परिवार की महिला और उसकी पुत्री पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे 16 वर्षीय बच्ची का हाथ कट गया, जबकि महिला के हाथ पर गंभीर चोट आई है। इस घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल हुई महिला और उसकी बच्ची पूजा का उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में इलाज जारी है। दरअसल नाईगांव के टील सिंह और दलपत सिंह के बीच पिछले लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में इस विवाद के चलते दलपत सिंह की पत्नी और टील सिंह आपस में उलझ गए। इस दौरान टील सिंह ने धारदार हथियार से दलपत सिंह की पत्नी और उसकी बेटी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यही नहीं, टील सिंह द्वारा दिखाई गई दरिंदगी का पूरा वीडियो दलपत सिंह के घर में लग रहे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरीके से टील सिंह निर्दयता से महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला कर रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने इसमें कार्यवाही करते हुए आरोपी टील सिंह को गिरफ्तार कर अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।